अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया। वेदर लवर्स, आज बरोज अतवार 25 अप्रैल को सुबह सिंध के जनूबी इलाकों में लोकल डेवलपमेंट के अच्छे इम्कान मौजूद हैं। ये लोकल डेवलपमेंट आज दोपहर से शाम के दरमियान होगी, जिसकी वजह से साहली और जनूबी इलाकों में शदीद गरज चमक के तूफान के साथ हल्की से तेज बारिश और आंधी का इम्कान मौजूद है। नाजरीन, आज 25 अप्रैल बरोज एतवार को हब चौकी गुडानी हाजी मलक गोट हुसैन बलोच गोट लांडी गोट मोहम्मद अली गोट मोहम्मद खान नॉर्थ कराची गुलबर्ग नाजमाबाद न्यू कराची गुलस्तान जौहर शाह फैसल गुलशन मेमार मलीर शाह फैसल रॉयल सिटी औरंगी शाह लतीफ टाउन डीएचए सिटी धाबेजी घारो मीरपुर सकरो भारो घोड़ाबाड़ी कैटी बंदर शाह बंदर गुलामुल्ला रहीमाबाद दीनाबाद छोहर जमाली ठट्ठा मीरपुर बातरो समेत गिरदोनवा में गरज चमक के तूफान तश्कील पाने तेज आंधी मट्टी के तूफान और बारिश के इम्कान हैं। नाजरीन, मजकूरा इलाकों के अलावा सिंध के बाकी तमाम इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि मजकूरा इलाकों के गिरदोनवा में मट्टी के तूफान चलने की तवक्को है। ताहम लोकल डेवलपमेंट का यह सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान यूं ही जारी रहेगा, जबकि इसके बाद लोकल डेवलपमेंट के अमल में तेजी आएगी। गरज चमक के तूफान पूरे सिंध में फैल जाएंगे, जिससे 28 से 7 मई के दौरान सिंध भर में तेज आंधियों मट्टी के तूफानों और गरज चमक के साथ बारिश और बाज मकामात पर यालाबारी समेत शदीद मौसमी हालात बनने की तवक्को है। वेदर लवर्स, हम जदीद मौसमी मॉडल्स पर नजर रखे हुए हैं और मौसमी हालात की हर नई खबर आपके साथ फौरन शेयर करते हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहें ताकि हर खबर बर वक्त आपको मिल सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।